हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक चीज़ बहुत क्रेज से चलती है, वो चीज़ क्या है? स्टेशनरी का काम। हर कोई बंदा ना इस काम में घुसने के लिए तैयार है, घुसना चाह रहा है। जैसे एक टाइम था ना कि लोग मोबाइल की लाइन में बड़ा चलते थे, बहुत घुसते थे, तो आज के टाइम में ना लोग स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं। हर कोई बंदा स्टेशनरी का काम करके बैठा है, क्योंकि घर घर में हर बच्चा पढ़ाई में, मतलब कहने का मतलब है, हर बच्चा पढ़ता ही है। स्कूल जगह जगह खुल रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा है, टेंशन भी कोई नहीं है। तो लेकिन चलो, ये तो मैं बातें बता रहा था। मेरे एक जो भैया हैं, उनका कमेंट बॉक्स में एक बहुत क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि भैया, ये जो स्टेशनरी का काम अगर हम करते हैं तो इसमें कौन सा लाइसेंस लगेगा, और लगेगा या नहीं लगेगा, और GST का बिल लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, और हम अपनी सेल को कैसे, मतलब याद, मतलब कैसे का मतलब मेंटेन का मतलब, कैसे हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि हमें अपनी सेल का पता रहे हम क्या कमा रहे हैं महीने में, महीने साल में रोज़ क्या कमा रहे हैं और क्या गवा रहे हैं, हमें बच कितना रहा है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी एंड तक देखना, वीडियो में बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप अपने सेल को कैसे नोट कर सकते हैं, मतलब कि हमने कितनी सेल करी, उसमें कितना अपना प्रॉफिट हुआ और क्या हमारा लॉस हुआ, जो भी है वो सारा डाटा हमें कैसे पता रहेगा, कैसे हमें याद रखना है, कैसे उसे नोट करना है, तो इस बारे में बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, एक ये नोट पैड आता है, ये देखिए नोट पैड, ठीक है। हम लोग बेचते हैं स्टेशनरी की दुकान पे, हर स्टेशनरी पे मिलेगा। तो मैं क्या करता था स्टार्टिंग में, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, ये देखो सब चीज़ें लिखी है, नोट लिखा है, मतलब कुछ ये 100 रुपये की बेची, ये 10 रुपये की बेची, ये 20 रुपये की बेची, ऐसे देखो कॉपी 60 रुपये की, पेन 10 रुपये का, 10 रुपये का पेन। कहने का मतलब है, मैं टोटल एक मतलब लिख, देखो छाता लिखा ना 230 रुपये का, हर चीज़ में लिखता रहता था, जो भी बेच रहा हूँ हर चीज़, ठीक है, जो मैं सेल कर रहा हूँ वो हर चीज़ में नोट करता रहता था। इसमें एक चीज़ और करता था, जो भी लोग अकाउंट में पैसे डालते थे, देखो ये लिखा फ़ोनपे, ये लिखा फ़ोनपे, ये लिखा है फ़ोनपे, फिर मैं क्या करता, जो सेल सारे दिन की हुई है उसे लिख देता था, इतने की सेल हुई, इतने का मेरा फ़ोनपे पे आया, इतना मेरा बैलेंस था, मतलब गल्ले मेरे होने चाहिए। तो इस नोट पैड पे मैं नोट कर लेता था। ऐसे ही मेरा जब ये दूसरा है वो भी ऐसे ही भरा है, देखो ये सारा का सारा इसी में ही है। तो ऐसे मैं नोट करता रहता था। तो इसमें ना पता रहता है आपको कि आपने सेल कितनी करी है। आप क्या करोगे, जैसे आपने पूरा महीना हो गया, आपने पूरा महीना हो गया, महीने में आपने सेल कर ली और सब कुछ लिख लिया इसमें, फिर आप मिलाओगे। एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा था इसमें कि जैसे आपने देख लिया कि हाँ इतना बैलेंस है, आपने सेल करी मानो 300 रुपये की, 100 रुपये अकाउंट में आ गए, बचे 200 रुपये, तो 200 रुपये मैं क्या करता, अपने गले पे गिनता था 200 रुपये है या नहीं है, क्योंकि मुझे हाँ पता कि हाँ मेरे गले में 200 रुपये है, ये मेरा प्रॉपर है, 100 रुपये मेरे अकाउंट में चले गए। और मैं अपने गले से कभी पैसे नहीं खरीदता जल्दी से, मैं अपनी पॉकेट मनी से खरीदता हूँ, क्योंकि आप गले से बार बार पैसे निकालते रहोगे, इसमें आपको पता नहीं रहेगा कि पैसे कहाँ गए, और 10-10, 20-20 करके 100-200 ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी जेब से खरीद नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं खर्च करता था, और जो खर्चता था अपने पॉकेट से करता था, और यहाँ पे सब कुछ नोट करता रहता था, तो महीने में मेरे को पता रहता था। तो पहले महीने में जब मैंने लिखा था ना, तो उसमें पता लग गया था, हाँ मैंने इतने पैसे कमाए, मैंने दुकान का किराया आराम से निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई इस नोटपैड की बात, कि आप अपने अकाउंट को कैसे मेंटेनेंस कर सकते हो, कैसे हिसाब किताब कर सकते हो इसमें। अच्छा, और रही लाइसेंस की बात, देखो इसमें किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता। लोग कहते हैं कि इसमें लाइसेंस लगेगा या इसमें ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं लगता इसमें, ये स्टेशनरी में किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखी, उसमें लिखा कि स्टेशनरी में इतना लाइसेंस लगेगा, स्टेशनरी में ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी काम कर ही रहा हूँ, मैंने और बंदों से भी पता किया, किसी ने भी कुछ नहीं बनवाया। तो लाइसेंस की कोई ऐसी कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई लाइसेंस बनवाना पड़े। और रही GST की बात, GST बनवाना है या नहीं बनवाना, सबसे बड़ी बात है आपको ये देखना है कि आपने काम किस तरीके का करना है। एक तो होता है ना कि बंदे ने छोटा मोटा काम कर लिया, एक होता बंदे ने कंपनी में दिया, एक होता बंदे ने होलसेल किया, इसी तरह का हिसाब होता है। देखो जो नॉर्मल दुकान है उसे तो कोई GST की ज़रूरत नहीं है बनवाने की, ठीक है, कोई ऐसा उसकी तगड़ी सेल तो है नहीं कि वो GST बनवाएगा। हमारे जैसा भी, मैंने भी कोई GST इस दुकान का स्पेशल नहीं बनवाई थी, मैंने बनवाई थी शुरू में जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, मेरे को पता नहीं था, वो इसलिए बनवाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में। सबसे पहले तो देख लो अपनी दुकान की सेल कितनी है। अगर आपकी दुकान की सेल 20 लाख 20 लाख तक की है, 20 लाख से ऊपर, तो आपको GST बनवाना पड़ेगा। अगर 20 लाख से कम है तो आपको GST की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20 लाख से ऊपर है, कहने का मतलब आपकी सेल हुई 1,67,68,000, मतलब एक मान के चलो 1,70,000 पौने 2 लाख,
तो आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा। रोज का मान लो आप 6-7 हज़ार का गल्ला आपको होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जैसे एक बंदा है कि उसने दुकान तो छोटी करी है, उसने जीएसटी भी नहीं बनवाई। अब वो सोचता है कि मैं दुकान तो छोटी कर रही है लेकिन मैं कंपनियों में या स्कूल में मैं कॉन्टैक्ट करके माल दे सकूँ। अगर वो कंपनियों में कॉन्टैक्ट करेगा उसकी सेटिंग हो भी जाती है, अगर उसे माल देना है कंपनियों में या किसी स्कूल में, तो उसे जीएसटी बिल मतलब अपनी जीएसटी बनवानी पड़ेगी। और जब भी आप कंपनी में माल दोगे ना, तो आपकी जो पीछे से माल आएगा वो जीएसटी का बिल देगा, फिर आप अपना बिल का उसमें लगा लोगे तब आगे दे पाओगे। मतलब आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी उसमें, आपकी भी जीएसटी जुड़ेगी उसमें। आपको ऊपर लिखा जाएगा जीएसटी के जो नंबर होते हैं वो लिखा जाएगा बिल में। तो इस तरह हिसाब होता है जीएसटी का। तो अगर आपने कंपनी का काम नहीं करना, स्कूल का काम नहीं करना, एक नॉर्मली ही दुकान चलानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं चलानी, आपने नॉर्मली आपकी सेल है, तो आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका गल्ला ही अच्छा है या आप मार्केट में होल सेलिंग कर रहे हो, बढ़िया काम है आपका, तो आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी, नॉर्मली सी बात है। और अगर आप माल दिल्ली से लाते हो, कहने का मतलब अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो मान लो, और आपको माल मंगाना है तगड़ा, 20-30 लाख का माल मंगाना है या 2 लाख का भी मंगाना है, तो आपको अगर माल लोगे और माल जब ट्रांसपोर्ट से आएगा तो दुकानदार आपसे जीएसटी का बिल मांगेगा पहले, वहीं पे जब आप उसे माल को ऑर्डर करोगे। अगर आप जीएसटी के बिल नहीं देते तो वो सीधी सी बात कहेगा, भैया मैं तो माल भेज दूंगा, लेकिन अगर गाड़ी की चेकिंग होगी कि माल पकड़ा गया, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसलिए उस काम के लिए भी आपको जीएसटी बिल लेना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली जैसी जगह से माल मंगाना है। क्योंकि दिल्ली से आप 2-4 हज़ार या 5-10 हज़ार का माल तो मंगाओगे नहीं, उसमें भी अच्छा खासा 50 हज़ार का कम से कम बंदा एक बार में ले ही आता है, छोटा मोटा दुकानदार जो स्टार्टिंग में कर रहा है। जो होलसेलर है वो तो तगड़ा ही माल लाता है। तो अगर आपको माल लाना है दिल्ली से, अच्छा काम करना है, तो आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। अगर आपको कंपनी में काम करना है, स्कूल में काम करना है, कहने का मतलब लेन देन, अगर आपने डिलीवरी करनी है, उधर माल भेजना है कंपनियों में, तो आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। और इस तरह का जीएसटी का हिसाब होता है। अगर आपको नॉर्मली दुकान करनी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई लाइसेंस लगता है, तो कोई लाइसेंस भी नहीं बना कि लाइसेंस बनेगा इसका, तो इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और 20 लाख से ऊपर की आपकी सेल है तो आप जीएसटी बनवाओ, वरना उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो और अगर आप जैसे जीएसटी बनवा लिए, आप काम कर रहे हो, तो आपको पेपर पूरे रखने पड़ेंगे, क्योंकि चेकिंग वाले कभी भी आ जाएंगे। कहने का मतलब है, जब आजकल ना ऑनलाइन का ज़माना है, आपकी दुकान की सेल अच्छी है, आप सोचो मैं जीएसटी ना बनवाऊँ। अब आप आजकल क्या है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फ़ोन स्कैनर हर एक की दुकान पे लगा, एक फल वाला भी है ना, वो भी स्कैनर लगा के रखता है, उसका भी डाटा सरकार को बताता है ये कितना कमा रहा है, कितना गवा रहा है, कितना खर्च कर रहा है और कितना इसके अकाउंट में आ रहा है। क्योंकि जब आपके ऑनलाइन पेमेंट आएगी ना, तो आप ऑनलाइन ही निकाल लोगे उसे। अब सपोज करो कि आपके बैंक में अकाउंट में 200 रुपये है, जेब में आपके 10 रुपये हैं। अब 200 रुपये जब आपके अकाउंट में आ गए, तो आप अकाउंट से आगे ट्रांसफ़र करोगे या ATM से निकालोगे, तो डाटा सरकार के पास पहुंच गया कि बंदे के खाते में 200 आए और उसने 150 उसमें से खर्च कर दिया और कहाँ खर्च किए, तो ये चीज़ें पता रहती है। तो इसलिए आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपका अच्छा खासा काम है। कई लोग सोचते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाती है चेकिंग जब वो सरकार के पास जाएगा ना ब्यूरा ऑनलाइन से, कि आज की तो यार रोज़ की 7-8 हज़ार की सेल है, रोज़ 7-8 हज़ार अकाउंट में आ रहे हैं और निकल भी रहे हैं रोज़, और मतलब ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं पैसे, तो इसमें सब कुछ पता लग जाता है सरकार को। तो इसलिए अगर आपकी अच्छी सेल हो ना, तो आप जीएसटी ज़रूर बनवाएं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, वरना कल को छापा पड़ेगा तो और दिक्कत होगी। और अगर जीएसटी बनवाते हैं तो उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, जितने भी पेपर हैं सब अपने पास रखें अपनी दुकान पर, ऐसा ना हो कि पेपर आप घर पर रखो और खुद दुकान पर बैठे हो, क्योंकि चेकिंग वाले कभी भी आ जाते हैं, उन्हें पेपर पूरे चाहिए होते हैं, तो पूरा पेपर दिखाओ उन्हें और फ्री माइंड रहो। तो जीएसटी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए लेनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे जीएसटी की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है, और कौन सा लाइसेंस लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, लाइसेंस तो लगता ही कोई नहीं है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मैंने भी जीएसटी का बिल बनवा रखा, मतलब जीएसटी नंबर मैंने ले रखा है, मैं बिल बोल रहा हूँ, सॉरी जीएसटी बिल मैंने भी जीएसटी नंबर ले रखा है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में कंपनी में माल दिया था, तो बिना जीएसटी की कंपनी में भी माल नहीं जाता, मुझे भी बिल लगाना पड़ता है, पीछे से पक्का बिल लेना पड़ता है। मतलब मैं कहीं से भी माल लाता था ना, मैं उससे पहले पक्का बिल लेता था, जो कंपनी में माल देना होता था, जो मैं दुकान पे सेल करता हूँ उसका कोई मैं बिल नहीं मांगता था, उसमें तो नॉर्मली मैंने कच्चा बिल बनवा ले लिया। जो मैं कंपनी में देना होता था, कंपनी में बतरी चीज़ें आती है, कैश बुक वगैरह और फाइल वगैरह कंपनी में जाती हैं, तो वो अगर 1-10 रुपये का मार्कर भी जाएगा ना, 10-20 वाली चीज़ भी, उसका बिल बनेगा उसमें। तो जो कंपनी में चीज़ देनी होती थी उसका मैं बिल बनवा के लाता था पक्का, उसमें लगाता था। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने काम कैसा करना है, आपने होलसेल करना है, आपने रिटेल करना है, या आपने सिर्फ कंपनी की सप्लाई करनी है, कि एक दुकान खोल ली, छोटी मोटी सेल भी होती रहेगी, और कंपनी के भी लोग ऐसे करते भी हैं, जैसे दुकान खोल ली और उसके बाद कंपनी में अपना माल देते रहे, पीछे से लाया और आगे दे दिया, उधार तो चलते ही है, वो सब सेटिंग होती रहेगी।
तो आपने ये सोचना है आपको काम किस तरीके का करना है, जिस तरीके का आपने काम करना है उस तरीके का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर और भी कुछ आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं वीडियो बना के दूंगा जैसा ये वीडियो बना के मैंने दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।